भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत से हारने के बाद डेविड मिलर ने हार्दिक पांड्या को लेकर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या बोले पांड्या पर मिलर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांड्या और मिलर में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को हर हाल में जीतना था। खैर, मुकाबले की शुरुआत हमारे अनुसार नहीं हुई। इस बार भी ऋषभ पंत टॉस हार गए। विरोधी कप्तान ने गेंदबाजी चुन ली तो सबके होश उड़ गए थे। डर सताने लगा कि कहीं पिछले मुकाबले वाला हाल ना हो जाए, लेकिन पंत की पलटन इस बार जीतने के मकसद से मैदान में उतरी थी। आपको बता दें, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार बल्लेबाजी के चलते टीम को एक दमदार शुरुआत मिली। दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना 50 पूरा कर लिया। 9 ओवर में टीम को 90 तक ले गए और इनके जज्बे की बदौलत टीम को ऐसी मजबूत शुरुआत मिली कि साउथ अफ्रीका की नींव हिल गई थी। आज दोनों खिलाड़ियों को देखकर दबाव तो वैसे ही बन चुका था। हाँ, माना कि बीच में श्रेयस अय्यर फ्लॉप रहे, पंत भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन मैदान में आकर फिर पांड्या ने उस गैप को भर दिया जो सबसे ज्यादा जरूरी था। वो जरूरत थी दोस्तों उन अतिरिक्त 20-30 रनों की, जो कि टीम को एक सम्मानजनक नहीं बल्कि अच्छे बड़े लक्ष्य तक ले जाए। बड़ा लक्ष्य यानी कि 180 रन का, और उस ब्रैकेट तक पहुंचाया हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी ने। 21 गेंदों में 30 रन लगाए, 4 चौके जड़े और नाबाद लौटे। वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसी से भारतीय टीम का स्कोर 180 बना। अब दोस्तों, लक्ष्य साउथ अफ्रीका के लिहाज से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन चहल की चतुराई, हर्षल पटेल की गेंदबाजी और पंत की चालाकी के जाल में आज अफ्रीकी फंस गए। हर्षल पटेल और अक्षर पटेल ने मिलकर शुरुआती 2 विकेट से लाए और उसके बाद पावर प्ले के अंदर ही घेर लिया युजवेंद्र चहल ने 3 बड़े विकेट लेकर। उन्होंने क्लासेन को आउट किया, वेंडर ड्यूसन का भी विकेट लिया और प्रेटोरियस को भी 20 रन पर पवेलियन के लिए रवाना कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों, हमारी टीम जीती पूरे 48 रन से और जीत के लिए मैन ऑफ द मैच के हकदार बने चहल। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी टीम की हार के बाद डेविड मिलर द किलर ने अब पांड्या को ही टीम की हार का बड़ा कारण बता दिया है। आखिरकार ऐसा क्यों है और मिलर ने ऐसा क्यों कहा, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि टीम की हार के बाद मिलर ने अपने बयान में कहा, आज वाकई में भारतीय टीम का दिन था। विशाखापट्टनम की पिच हमारे ना तो गेंदबाजों की समझ आई और ना ही बल्लेबाजों की, परंतु मुझे लगता है कि भारतीय खिलाड़ियों ने आज वाकई में जीत की तैयारी हमसे 2 गुनी अच्छी करी थी। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि भारतीय टीम की इस जीत में जितना योगदान बल्लेबाजी में रहा, उससे ज्यादा योगदान तो हार्दिक पांड्या का रहा। क्योंकि लक्ष्य अगर 150 या 140 तक रुक जाता तो शायद हमारी टीम जीतने का वो अंतिम प्रयास कर सकती थी, जो कि हमने पिछले 2 मैचेस में किया। लेकिन हार्दिक पांड्या अंतिम पलों में वो अतिरिक्त रन अपनी टीम के लगा गए जिनकी उनकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। इतना ही नहीं, इस बार तो उन्होंने कप्तानी भी खुलकर करी। मुझे लगता है कि पांड्या का विकेट जल्दी मिलता तो उनका मनोबल टूटता और हमारी टीम वहां से मैच जीत सकती थी। खैर, हार और जीत तो चलती रहती है, ये वाला नहीं तो अगला मुकाबला सही, लेकिन जीतेंगे जरूर इस सीरीज को हम। तो मिलर ने बता दिया किस तरीके से पांड्या की वजह से भारतीय टीम को वाकई में मदद मिली जीतने में, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, तो पांड्या में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।